हेलो दोस्तों, जैसे कि अकाउंटिंग में आपको ज्ञात होगा, ऐसे बहुत से टॉपिक्स होते हैं जिनको समझना और जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, जिसमें से एक हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है। इसी के मदद से ही हम जानेंगे कि हमारे पास बिजनेस में जो कैश आ रही है, कैश जा रही है, कैपिटल आ रही है कि जा रही है, और साथ साथ हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है कि घट रही है, इसको हम समझेंगे और जानेंगे एक क्वेश्चन के माध्यम से। तो चलिए समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10,000, परचेज गुड्स फॉर कैश 2,000, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 3,000, पेड रेंट 1,000, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़ 500। सबसे पहले आपको यहाँ क्या देखना है, आपको प्रारूप देखना है, जिसमें पहला दिया फर्स्ट कॉलम में है हमारा सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम में है ट्रांजैक्शन, थर्ड कॉलम में है इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, फोर्थ कॉलम में है हमारा सूत्र असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश कितने का है, 10,000 का। तो यहाँ हमारा हो जाएगा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10,000। अब देखो जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कैश से कर रहे हैं, तो कैश क्या हो रहा है, बिजनेस के पास आ रही है, तो क्या कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। साथ साथ हम कैश हम बिजनेस में ला रहे हैं तो कैपिटल हमारा बढ़ रहा है, क्योंकि कैश हम जब बिजनेस में लाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। अब देखिए यहाँ इक्वेशन क्या हो रहा है, 10,000 ये हमारी संपत्ति आ गई, कैश हमारी संपत्ति हो गई, और लायबिलिटी हमारा अभी कुछ नहीं है, और कैपिटल हमारे पास बढ़ गया 10,000 का। तो यहाँ सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, परचेज गुड्स फॉर कैश। देखिए हम यहाँ कुछ हमारे बिजनेस के लिए सामान खरीद रहे हैं कैश में, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, माइनस हो गया, कैश डिक्रीज हो रहा है, कैश हमारे पास से जा रहा है, कितना जा रहा है, 2,000 जा रहा है, ठीक है। और गुड्स क्या हो रहा है, इंक्रीज, गुड्स बिजनेस में आ रहा है, तो इसको हम कितने का आ रहा है, 2,000 का, तो इसको प्लस कर दिए, ये हमारा जीरो हो जाएगा, ये हमारा जीरो हो जाएगा। अब देखिए न्यू इक्वेशन क्या होगा हमारा, अब देखो ये माइनस तो हुआ था 2,000, ये माइनस हुआ था, लेकिन हमारे पास संपत्ति भी आई है उतने की, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, तो कितना का है, 10,000। अब थर्ड समझते हैं हमारा, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट कितने का है, हम परचेज सामान उधार में ख़रीद रहे हैं, कितने का, 3,000 का, हमने कोई पैसा नहीं दिया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, गुड्स इंक्रीज, मतलब सामान तो आ रही है लेकिन हमारी लायबिलिटी भी बढ़ रही है, तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये क्या होगा, 3,000 प्लस हो जाएगा, और ये हमारा लायबिलिटी वाले कॉलम में क्या हो जाएगा, 3,000 प्लस हो जाएगा, और ये हमारा कैपिटल जीरो रहेगा। न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, तो 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13, प्लस लायबिलिटी को भी लिख देंगे, और कैपिटल हमारे पास कितना था, टोटल 10,000 था। फोर्थ है हमारा पैड रेंट कितने का, 1,000 का, तो हमारे पास हम पैड कर रहे हैं किसी को, तो ये हमारे पास से क्या जा रही है, कैश जा रही है, तो कैपिटल, कैपिटल से हमारे पास पूंजी घट रही है। यहाँ देखिए, तो देखिए यहाँ हमारे पास 1,000 माइनस हो जाएगा, असेट्स हमारे पास से जा रही है, और ये हमारा लायबिलिटी हमारा यहाँ जीरो हो जाएगा इस ट्रांजेक्शन में, और माइनस हो जाएगा हमारा कैपिटल से कितना, 1,000। तो ये हमारा कैपिटल से कितना माइनस हो जाएगा, 1,000, और न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगा, 13,000 में से 1,000 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा, लायबिलिटी हमारा लिख देंगे, और ये हमारा 10,000 में से 1,000 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9,000 हो जाएगा कैपिटल हमारा। फिफ्थ है विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़ कितना है, 500 का, तो ये हमारा विड्रॉ कर रहे हैं हम किसने, बिजनेस से ले रहे हैं, तो ये हमारी क्या हो रहा है, कैश घट रही है, तो कैश डिक्रीज हो रही है। सेकंड हमारा कैपिटल भी डिक्रीज, कैपिटल से हम पैसा निकाल रहे हैं हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो ये हमारा असेट्स घट गई कितना, 500, लायबिलिटी हमारा जीरो हो जाएगा, और कैपिटल से माइनस हो जाएगा कितना, 500, तो ये हमारा 12,000 में से कितना, 500 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 11,500, और लायबिलिटी हमारी कितनी की थी, 3,000 की, और
ये हमारा 9,000 में से 5,500 गया तो कितना हो जाएगा, 8,500। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आई होगी।